हेलो दोस्तों, आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो दरअसल पियर्सन पब्लिकेशन की पॉल जी हैबिट की बुक है, कंसेप्चुअल फिजिक्स, जो कि आपके फिक्स के बेसिक कंसेप्ट को, फिक्स के कंसेप्ट को बिल्ड करती है। इस बुक को पढ़ने से पहले अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो भी ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो भी ठीक, आप यहाँ शून्य से शुरुआत, जीरो से शुरुआत कर सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपके लगभग सारे कंसेप्ट जो कि फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, फिजिक्स से रिलेटेड हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं इस बुक के टूर पर। सबसे पहले हम यहाँ कंसेप्चुअल फिजिक्स 12th एडिशन पॉल जी हैबिट, इस बुक को मैंने अमेजन से मंगवाया था, आप भी अमेजन से ऑर्डर करके इसे मंगवा सकते हैं। और इसके कंटेंट्स को अगर ब्रीफ में जानना हो तो आप देख रहे हैं मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, रिलेटिविटी। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो 11th में हैं, 12th में हैं, उन सब के लिए यह बुक समान रूप से उपयोगी है, यूजफुल है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए संजीवनी है। तो अब इसके कंटेंट्स को हम देखते हैं। तो जो ही हम अंदर की तरफ इसके पन्ने पलटते हैं तो एक खूबसूरत सी फोटो है पॉल जी हैबिट की। इसके अलावा आप पहले चैप्टर में साइंस के बारे में बताया गया है और इसके कंटेंट्स में साइंटिफिक मेजरमेंट, साइंटिफिक मेथड्स, साइंस, आर्ट एंड रिलीजन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स द बेसिक साइंस इन पर्सपेक्टिव, इन सब टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर टू आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया से आपको रूबरू कराता है। इसमें इसके कंटेंट्स को अगर आप देखें तो अरिस्टोटल ऑन मोशन, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स एंड वेक्टर्स, द इक्विलिब्रियम रूल, सपोर्ट फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ मूविंग थिंग्स, द मूविंग अर्थ, इन सब टॉपिक्स को डिटेल में इलस्ट्रेट किया गया है। अब बढ़ते हैं चैप्टर थ्री की तरफ। चैप्टर थ्री लीनियर मोशन के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत मोशन इज रिलेटिव, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्री फॉल, वेलोसिटी वेक्टर्स, इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर फोर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, मास एंड वेट, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन एक्सेलरेशन इज जी, फ्री फॉल, व्हेन एक्सेलरेशन इज लेस देन जी, नॉन फ्री फॉल, इन सब टॉपिक्स के साथ डील किया गया है। अब बढ़ते हैं चैप्टर फाइव की तरफ। चैप्टर फाइव न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत आपको फोर्स एंड इंट्रैक्शंस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मासेज, वेक्टर्स एंड थर्ड लॉ, समरी ऑफ न्यूटन्स थ्री लॉज, इन सब टॉपिक्स को डिटेल में समझाया गया है। अब हम बढ़ते हैं तेजी से। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर चैप्टर के अंत में अलग अलग हेडिंग के साथ ये आपको समरी ऑफ टर्म्स, ग्लोसरी, इसके अलावा रीडिंग, चेक क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा थिंक एंड डू, प्लग एंड चग, थिंक एंड सॉल्व, थिंक एंड एक्सप्लेन, थिंक एंड रैंक, थिंक एंड डिस्कस, इन सब हेडिंग के साथ थ्योरी रिलेटेड या मतलब कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स भी आपको इस बुक के लास्ट में मिल जाएंगे। चैप्टर सिक्स जो है वो मोमेंटम के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत मोमेंटम, इंपल्स, इंपल्स चेंजेस मोमेंटम, बाउंसिंग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉलिजन्स, मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉलिजन्स, इन टॉपिक्स को अच्छे से डील किया गया है। ये डायग्राम वगैरह देखें, इस टाइप के डायग्राम्स हैं।
चैप्टर सेवन एनर्जी के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत वर्क पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मशीन्स एफिशिएंसी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इन सब टॉपिक के साथ डील करता है। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं चैप्टर एट की तरफ। चैप्टर एट आपको रोटेशनल मोशन इसके साथ डील करता है, इसको एक्सप्लेन करता है। इसके अंतर्गत सर्कुलर मोशन, रोटेशनल इनर्शिया, टॉर्क, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन सब टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। कहीं रियल फोटोग्राफ्स हैं, कहीं डायग्राम्स हैं, इनकी सहायता से इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नाइन्थ की तरफ। चैप्टर नाइन्थ ग्रेविटी के साथ डील करता है, जिसके अंतर्गत द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, ग्रेविटी एंड डिस्टेंस, द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ, इसके अलावा वेट एंड वेटलेसनेस, ओशन टाइड्स, ग्रेविटेशनल फील्ड्स, ब्लैक होल्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इन सब टॉपिक्स के साथ डील करता है। अब बढ़ते हैं टेंथ चैप्टर की तरफ। टेंथ चैप्टर प्रोजेक्टाइल एंड सेटेलाइट मोशन के साथ डील करता है। इसका कंटेंट्स भी आप देख लें। प्रोजेक्टाइल मोशन, फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल सेटेलाइट, सर्कुलर सेटेलाइट ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स, इन सब टॉपिक्स के साथ डील करता है। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 11 की तरफ। चैप्टर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस हेडिंग के साथ आता है, और ये डायटोमिक नेचर ऑफ मैटर, चैप्टर 11 डायटोमिक नेचर ऑफ मैटर के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत आप डायटोमिक हाइपोथीसिस, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, आइसोटोप्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, मॉलिक्यूल्स, एंटी मैटर, इस विशिष्ट को आप पहचानते हो या ना हो मैं बता देना चाहता हूँ। ये फेनमैन है जिनका कि लेक्चर सीरीज पे बुक आती है, बहुत ही फेमस है, ये बहुत फेमस फिजिसिस्ट हुए हैं ये। और इसके इस चैप्टर में आपको एटॉमिक इमेजरी, इसके अलावा आगे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आइसोटोप्स, एंटी मैटर और डार्क मैटर, जैसा कि आप देख रहे हैं डार्क मैटर और एंटी मैटर, ये दोनों टॉपिक बहुत ही डिमांडिंग और ये दोनों टॉपिक ऐसे ही टॉपिक्स इस बुक की यूएसपी है, ऐसा आप मान लें। चैप्टर 12 सॉलिड्स के साथ डील करता है। इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, टेंशन एंड कंप्रेशन, आरसीएस एंड स्केलिंग, इन सब टॉपिक्स को डील किया गया चैप्टर। इसके अलावा आप चलते हैं 13th चैप्टर की तरफ। चैप्टर 13 लिक्विड्स के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत प्रेशर इन अ लिक्विड, बुएंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट, फ्लोटेशन, पास्कल्स प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, इन सब टॉपिक्स के साथ डील किया गया है। और चैप्टर के शुरू में ब्लेज पास्कल के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ये आर्क, जो आर्कियल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं बिल्डिंग्स में, इसके बारे में बताया गया, ब्रुएंसी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट, फ्लोटेशन, पास्कल्स प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, इन सब टॉपिक्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 14 की तरफ, जो कि गैसेज के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत एटमोस्फियर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, बॉयल्स लॉ, बुएंसी ऑफ एयर, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड प्लाज्मा, इस चैप्टर का यूएसपी है बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसके अलावा सबसे लास्ट में अब जब आते हैं प्लाज्मा इन द एवरीडे वर्ल्ड, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें। इसके अलावा आप पढ़ते हैं चैप्टर 15 की तरफ, जो कि आपको टेम्परेचर, हीट एंड एक्सपेंशन के साथ डील करता है। और
और इसके अंतर्गत टॉपिक्स हैं आपको टेम्परेचर, हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, थर्मल एक्सपेंशन। और हर चैप्टर की शुरुआत में किसी न किसी साइंटिस्ट का शॉर्ट बायोग्राफी दिया हुआ है, वो भी इस बुक का यूएसपी है। इसके अलावा हम चलते हैं अब चैप्टर 16 की तरफ, जो कि हीट ट्रांसफर के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत कंटेंट्स हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, सोलर पावर, कंट्रोलिंग हीट ट्रांसफर। अब हम चलते हैं चैप्टर 17 की तरफ, जो कि चेंज ऑफ फेज के साथ डील करता है। फेज ऑफ मैटर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, एनर्जी एंड चेंजेस ऑफ फेज। इसके अलावा चलते हैं चैप्टर 18 की तरफ, जो कि थर्मोडायनेमिक्स को डेडिकेटेड है। इसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स, एब्सोल्यूट जीरो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एडियाबेटिक प्रोसेसेस, मटेरियोलॉजी एंड द फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी टेंड्स टू डिस्पर्स, एंट्रोपी, इन सबको एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा चैप्टर के शुरू में आपको केल्विन के बारे में, जो कि बहुत ही बड़े फिजिस्ट भी थे और केमिस्ट भी थे, केल्विन, जिनके नाम पर केल्विन टेम्परेचर का यूनिट, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं और इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। केल्विन के बारे में शुरू में बायोग्राफिकल नोट दिया हुआ है। तो हर चैप्टर की शुरुआत में जो किसी न किसी साइंटिस्ट का, फिजिसिस्ट का बायोग्राफिकल नोट दिया हुआ है, वो इस बुक की सबसे बड़ी यूएसपी है। इसके अलावा इसके साथ मॉडर्न फिजिक्स को भी जोड़ा गया है। ये आपको पार्ट फोर के अंदर साउंड है और चैप्टर 9 में वाइब्रेशन एंड वेव्स, यहाँ से साउंड स्टार्ट हो गया। इसके अंदर गुड वाइब्रेशंस, वेव डिस्क्रिप्शन, वेव मोशन, वेव स्पीड, वेव इंटरफेरेंस, डॉपलर इफेक्ट, बो वेव्स और सॉफ्ट वेव्स, इस सब के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। हम चलते हैं चैप्टर 20 की तरफ। ये चैप्टर भी साउंड के साथ ही डील करता है। इसके अंतर्गत आपको नेचर ऑफ साउंड, साउंड इन एयर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, फोर्स्ड वाइब्रेशंस, रेजोनेंस, इंटरफेरेंस एंड बीट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बीट्स, जिसके बारे में आप जब भी किसी सॉन्ग का जिक्र आता है, म्यूजिक का जिक्र आता है, तो हम प्राय बीट की बात करते हैं। तो इस बीट को भी आप देख लें, बीट क्या होती है, इस टॉपिक को भी इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इसके बारे में भी डिटेल नोट है इस चैप्टर में। अब आते हैं 21st चैप्टर की तरफ, जो कि म्यूजिकल साउंड्स के साथ डील करता है। इससे अंतर्गत नॉइज एंड म्यूजिक, पिच, साउंड इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फोरियर एनालिसिस फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, इन सब टॉपिक्स के साथ डील किया गया। चैप्टर 22 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज, यहाँ से अब नया चैप्टर शुरू हो गया है, जिसके अंतर्गत आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज, हालांकि पार्ट 5 पे जाने से पहले आप साउंड के चैप्टर में, आपको अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड हैं या म्यूजिक में आपको इंटरेस्ट है, या आपने कहीं भी बीट, पिच, फ्रिक्वेंसी, इन सब टर्म्स को आपने अगर सुना होगा, तो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। और चलते हैं हम 22 की तरफ, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डेडिकेटेड है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ETC, इस सबको एक्सप्लेन किया गया है। और इस चैप्टर के शुरू में भी, जैसा कि हर चैप्टर के शुरू में किसी न किसी फिजिसिस्ट के बारे में दिया गया है, इस चैप्टर में भी शुरुआत में भी फिजिसिस्ट के बारे में दिया गया है। इसके अलावा कूलम्स लॉ, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इन सब टॉपिक्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज,
वॉन्टिक ग्राफ जनरेटर, ये सब टॉपिक्स को डिटेल के साथ समझाया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, नॉविट हुआ है। जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 23 की तरफ तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ डील हुआ है इसमें, और इसमें एक्सप्लेन किया गया है सारे टॉपिक्स को, फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज सोर्सेज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, डायरेक्ट करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट, स्पीड एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट, इलेक्ट्रिक पावर, लैंप्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इस चैप्टर के शुरुआत में भी आपको जॉर्ज साइमन ओम, जिन्हें हम ओम के नाम से जानते हैं, ओम्स लॉ आपने पढ़ा भी होगा, उनके बारे में बताया गया है, उनके लाइफ के बारे में बताया गया है, उनके डीड्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्सेज, ओम्स लॉ, कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये सब टॉपिक्स को बहुत ही स्पीड एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट, लैंप्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब टॉपिक्स को, पैरेलल सर्किट्स, सीरीज सर्किट्स, इन सब टॉपिक्स को बहुत ही, इसके अलावा पैरेलल सर्किट्स इन ओवरलोडिंग सेफ्टी फ्यूजन, ये सब टॉपिक्स को बड़े ही डिटेल में समझाया गया है। मैं इतना विस्तार से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इस पूरे बुक का कंटेंट क्या है आप शॉर्ट में देख लें तो आप बुक यूएसपी समझेंगे। और ये चैप्टर 24th मैग्नेटिज्म के साथ डील करता है, जिसमें आपको ये सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक डोमेन्स, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेटिक फोर्सेस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बायो मैग्नेटिज्म। एक लास्ट वाला टॉपिक मुझे कुछ नया लगता है, बायो मैग्नेटिज्म, शायद आप लोग भी बहुत कम ही लोग इससे परिचित होंगे। इस चैप्टर में आपको मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक डोमेन्स, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक मीटर्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर्स, बायोमैग्नेटिज्म, कॉस्मिक रेज, ये टॉपिक भी इस बुक का यूएसपी है। इसके अलावा बायोमैग्नेटिज्म, मैंने तो इसके बारे में पहली बार सुना है। अगर आपने भी ये पहली बार सुना है तो आप इस बुक में इस पे डिटेल में नोट पाएंगे, तो आप इस बुक को पढ़ना ना भूलें। इसके अलावा MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस में इमेजिंग, ये एक ब्रेन मैपिंग टेक्निक है। अगर ब्रेन में किसी तरह की दिक्कत हो तो डॉक्टर लोग MRI कराने को कहते हैं, तो MRI के बारे में डिटेल से इसमें दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 25 की तरफ, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, जनरेटर्स एंड अल्टरनेटिंग करंट, पावर प्रोडक्शन, ट्रांसफार्मर्स, फील्ड इंडक्शन, पावर ट्रांसमिशन, इन सब टॉपिक्स के साथ डील किया गया है। जनरेटर्स एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, फैराडेज लॉ, ट्रांसफार्मर्स, पावर प्रोडक्शन, MHD पावर, इसके अलावा फील्ड इंडक्शन, पावर ट्रांसमिशन, सेल्फ इंडक्शन, इस सब के बारे में डिटेल से समझाया गया है। अब हम बढ़ते हैं, पार्ट 6 लाइट को डेडिकेटेड है। पार्ट 6 में 26 जो चैप्टर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को डेडिकेटेड है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सफेद मटेरियल, सीइंग लाइट, दाई, इन सब टॉपिक्स के साथ डील किया गया। और इस चैप्टर की शुरुआत में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की जीवनी दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डाइइलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेलोसिटी, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, इन सब टॉपिक्स के साथ डील किया गया है। इसके अलावा जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो चैप्टर 27 कलर के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत कलर इन आवर वर्ल्ड, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन, सिलेक्टिव ट्रांसमिशन, मिक्सिंग कलर लाइट्स, मिक्सिंग कलर पिगमेंट्स, व्हाई द स्काई इज ब्लू, व्हाई सनसेट्स आर रेड, व्हाई क्लाउड्स आर व्हाइट, व्हाई वाटर इज ग्रीन ब्लू, इन सब टॉपिक्स को डिटेल में समझाया गया। इसके अलावा
अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 28 की तरफ। 28 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के साथ डील करता है, और चैप्टर 29 आपको लाइट वेव के साथ डील करता है। इसके अंदर अंतर्गत हाइजेंस प्रिंसिपल, डिफ्रैक्शन, सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, होलोग्राफी। शुरुआत हाइजेंस प्रिंसिपल के साथ इस चैप्टर की होती है। इसके अलावा हम चलते हैं 30th चैप्टर की तरफ, जो कि लाइट एमिशन के साथ डील करता है। इसके अंतर्गत कंटेंट्स हैं लाइट एमिशन, एक्साइटेशन, एमिशन स्पेक्ट्रा, इनकैंडेसेंस, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, लैंप्स, लेजर्स, इन सब टॉपिक्स के साथ डील करता है। अब हम बढ़ते हैं 31st चैप्टर की तरफ, जो कि लाइट क्वांटा के साथ डील करता है, और लाइट क्वांटा के अंतर्गत आपको बर्थ ऑफ द क्वांटम थ्योरी, क्वांटाइजेशन एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है फिजिक्स में, पार्टिकल्स एज वेव्स, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड कम्प्लीमेंटरिटी, इन सब के साथ डील किया गया है। और चैप्टर के शुरुआत में मैक्स प्लैंक की जीवनी दी गई है। जैसा कि हर चैप्टर की शुरुआत में किसी न किसी फिजिसिस्ट की जीवनी दी होती है, यहाँ पर मैक्स प्लैंक, जो कि क्वांटम थ्योरी के जनक माने जाते हैं, उनके बारे में उनकी जीवनी दी गई है। और चैप्टर की शुरुआत बर्थ ऑफ द क्वांटम थ्योरी से होती है। इसमें आप वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पार्टिकल्स एज वेव्स, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है ये टॉपिक, ये हुए आपके वर्नर, हाइजेनबर्ग, नील्स बोर। तो जगह जगह पे फेमस जो फिजिसिस्ट हुए हैं उन सब की इमेज भी दी गई है, तो आप उनसे रूबरू हो सकते हैं। पार्ट 7 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ डील करता है। इसके 32nd चैप्टर में आप पाएंगे द एटम एंड द क्वांटम। इसके अंतर्गत कंटेंट्स हैं डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोर मॉडल ऑफ द एटम, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन वेव्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, इन सब के साथ डील किया है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, इनकी जीवनी इस चैप्टर के स्टार्ट में दी गई है। इसके अलावा बोर मॉडल ऑफ द एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को आप डिटेल से, इस पर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन वेव्स, ये सारे टॉपिक्स क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही डिटेल से समझाए गए हैं, वो भी बिना मैथमेटिकल इक्वेशन के जाल में उलझे हुए। 33rd चैप्टर द एटॉमिक न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी के साथ डील करता है, जिसके अंतर्गत एक्सरेज एंड रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा रेज, एनवायरमेंटल रेडिएशन, द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसके अलावा इस चैप्टर में आप अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरेज एंड रेडियो एक्टिविटी, मैडम मेरी क्यूरी के बारे में शुरू में जीवनी दी गई है, बायोग्राफी। इसके अलावा एनवायरमेंटल रेडिएशन, यूनिट्स ऑफ रेडिएशन, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स, डोजेज ऑफ रेडिएशन। इसके अलावा द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, रेडिएशन डिटेक्टर्स, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये टॉपिक मेरे लिए भी नया है, मैंने अभी इसे नहीं पढ़ा है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, ये सारे टॉपिक्स इन्हें, कार्बन डेटिंग, फूड इरेडिएशन, इन सब के बारे में डिटेल से समझाया गया है। अब बढ़ते हैं 34th की तरफ, जो कि न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन के साथ डील करता है। इसमें इनमें जिन जिन फिजिसिस्ट की इमेज दी हुई है, इसमें आपको पहले नंबर पर लीज मिटनर हैं,
और सेकेंड नंबर पे आप जिन्हें देख पा रहे हैं ये ऑटो फिश, और ये हुए आपके ऑटो हॉर्न, इसके अलावा एनरिको फर्मी और रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। न्यूक्लियर फिजिक्स में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। न्यूक्लियर बम बनाने में भी ऑटो हॉर्न का जो मैंने नाम लिया उनका भी उनका ही योगदान था। इनमें से अधिकांश अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं। इस चैप्टर में आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन ये सब के बारे में, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फ्यूजन पावर, द ब्रीडर रिएक्टर, ये सब टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। अब इस बुक, इस पूरे बुक का जो सबसे बड़ा यूएसपी है चैप्टर, उसकी तरफ मैं फोकस कर रहा हूँ। आप देखते ही समझ गए होंगे रिलेटिविटी। 35 चैप्टर जो है वह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेट करता है, उसके बारे में डिस्कस करता है। ये आपके हो गए अल्बर्ट आइंस्टीन, केन फोर्ड, एडविन एफ टेलर। अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी भी शुरुआत में दी गई है, और इस चैप्टर में आपको मेसन मोशन इज रिलेटिव, पोस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, साइमल्टेनिटी, स्पेस टाइम एंड टाइम डायलेशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, मास एनर्जी, और उसके अलावा ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन कहाँ से है, इसके बारे में भी डिटेल से इस चैप्टर में समझाया गया, द कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। अब इस चैप्टर के अंदर तरफ चलते हैं, तो पोस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, निकल्सन मॉडल एक्सपेरिमेंट, स्पेस टाइम टाइम डायलेशन, साइमल्टेनिटी, इसके अलावा द ट्विन ट्रिप, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, स्पेस ट्रेवल, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, मास एनर्जी। हाँ, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ई बराबर एम सी स्क्वायर आपने पढ़ा भी होगा, ये सूत्र कहाँ से आया इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है, आप देख लें। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। 36 चैप्टर जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से को डिस्कस करता है। इसके अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड टाइम, ग्रेविटेशनल शिफ्ट, ग्रेविटी इन स्पेस, मोशन ऑफ मरकरी, ग्रेविटी स्पेस एंड न्यू ज्योमेट्री, ग्रेविटेशनल वेव्स, न्यूटोनियन आइंस्टीनियन ग्रेविटेशन। ये 36.7 टॉपिक जो है न्यूटोनियन एंड आइंस्टीनियन ग्रेविटेशन, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर के लास्ट में समझाया गया है। ये आपके हो गए अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड टाइम, ग्रेविटेशन रेट शिफ्ट, इसके अलावा आप चलें ग्रेविटी इन स्पेस, मोशन ऑफ मरकरी, ग्रेविटी स्पेस एंड न्यू ज्योमेट्री, न्यूटोनियन एंड आइंस्टीनियन ग्रेविटेशन। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद आपको यूनिट कन्वर्सन्स, इसके अलावा मोशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दिए गए हैं। ग्राफिंग, कार्टेशियन ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफिंग विथ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, स्लोप एंड एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में बताया गया है। और अपेंडिक्स डी में वेक्टर एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डबलिंग टाइम, और आपको हर चैप्टर के लास्ट में जो भी न्यूमेरिकल वगैरह दिए हुए हैं उन सब के आंसर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उन सब के आंसर भी आपको चैप्टर के लास्ट में मिल जाएंगे, मतलब इस बुक के लास्ट में मिल जाएंगे सॉरी। और इस बुक के सबसे लास्ट में ग्लॉसरी है, इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने भी फिजिक्स के टॉपिक्स हैं जो कि इस बुक से रिलेटेड हैं सबको शॉर्ट में दिया गया है। और इस बुक के लास्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिजिक्स की बुक है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो कि यंग की आती है, फ्रीडमैन और यंग की आती है। इसके अलावा फेमैन जो जिनका मैंने आपको इमेज दिखाया था उनकी लेक्चर्स की ये बुक आती है। इसके अलावा
इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी हो ना पढ़ी हो, आपका फिजिक्स कमज़ोर है, हाँ इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश कम चलने लायक है, अगर आप इंग्लिश कम चलाओ, इंग्लिश भी जानते हैं, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बुक की भाषा जो है, इस बुक का जो लैंग्वेज जो है वो लेंथी नहीं है, उसे आप फ्रेंडली कर सकते हैं, ईजी लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है। इस बुक को लिखने के लिए मैं पॉल जी हैविट को सैल्यूट करता हूँ कि मैंने इस बुक को लगभग पूरा पढ़ लिया है, कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो मेरे तो अधिकांश डाउट क्लियर हो गए। तो मेरी यही सलाह आप लोगों को होगी है कि आप इस बुक को लाएं, रेसिबल बुक पब्लिकेशन की ये बुक बहुत ही अच्छी है। इस वादे के साथ कि मैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी बुक जो आपके डाउट क्लियर करें या जिसके कंटेंट्स बहुत ही ज़्यादा शानदार हो, मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जरूर कर दें। धन्यवाद।